वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम इस वीडियो में हम वर्चुअल मशीन से रिलेटेड एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम किसी भी वर्चुअल मशीन का क्लोन हम कैसे बनाते हैं, इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वर्चुअल मशीन का ये जो क्लोन यहाँ पे टूल है, ये टूल हमारे लिए उपयोगी क्यों हो सकता है, तो इसको हम समझते हैं। यदि मान लीजिए आपको एक मशीन की ज़रूरत है और आप उस मशीन को फिर से दोबारा इंस्टॉल नहीं करना चाहते, उतना मेहनत नहीं करना चाहते, क्लोन ये वर्चुअल मशीन का टूल यूज करके आप हूबहू वैसा ही जो भी उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है और जिस स्टेट में आपका वर्चुअल मशीन है, हूबहू उसका कॉपी आप बिल्कुल बना सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। तो ये क्लोन जो यहाँ पे टूल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है। तो आइए इस क्लोन टूल का यहाँ पे यूज करके हम एक नया वर्चुअल मशीन, यहाँ पे हम जिस भी मशीन का हम कॉपी बनाना चाहते हैं, तो हम इस टूल की मदद से हम क्लोन उसका बनाकर और यूज कर सकते हैं और अपना टाइम हम बचा सकते हैं। दोस्तों, आप यदि वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं और वर्चुअल मशीन का सॉफ्टवेयर VMware कहाँ से डाउनलोड करते हैं, यदि आप नहीं जानते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को देखकर आप अपने लैपटॉप में वर्चुअल मशीन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद भी हम वर्चुअल मशीन को कैसे क्रिएट करें, तो उसके लिए भी आप स्क्रीन पर दिए गए इस वीडियो को आप देख सकते हैं और वहाँ से वर्चुअल मशीन को आप अपने लैपटॉप में क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो की तरफ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम क्लोन बनाने के लिए हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर चलते हैं। और इसके पहले एक आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपना डेस्कटॉप स्क्रीन पर, और यहाँ पर हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ गए हैं। इसमें से हम VMware को यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं। VMware को सेलेक्ट करने के बाद इसे हम ओपन करते हैं। हमारे सामने VMware Workstation Pro यहाँ पे ओपन हो गया है और VMware Workstation Pro में यहाँ पे बहुत सारे मशीनें हैं, तो इसमें से हम एक मशीन यहाँ पे हम Windows 7 के यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद इसी वर्चुअल मशीन का हम क्लोन बनाएंगे। वर्चुअल मशीन का यहाँ पे मेन्यू दिया गया है। पहला जो मेन्यू है फाइल, और दूसरा एडिट, और तीसरा व्यू, और चौथा VM है। तो हम VM को यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही VM को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो इसका भी मेन्यू यहाँ पे ओपन हो जाता है, और इसमें से मैनेज ऑप्शन को यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। मैनेज ऑप्शन को जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं तो इसके बाद यहाँ पे जो क्लोन ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लोन ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने क्लोन वर्चुअल मशीन का विजार्ड यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमारे सामने वेलकम टू द क्लोन वर्चुअल मशीन विजार्ड यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पे हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और विजार्ड यहाँ पे हमारे सामने है। इस विजार्ड में हमारे सामने दो ऑप्शन हैं, और जो पहला ऑप्शन है द करेंट स्टेट इन दिस वर्चुअल मशीन, और दूसरा ऑप्शन है एन एग्जिस्टिंग स्नैपशॉट। इसमें से जो हमारा पहला ऑप्शन है द करेंट स्टेट इन वर्चुअल मशीन, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। यदि हम पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो ये जो हमारा वर्चुअल मशीन का जो स्नैपशॉट क्रिएट होगा, तो इसमें से जो भी करेंट स्टेट में वह हमारा वर्चुअल मशीन में जो भी हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, वो पूरा का पूरा इसमें इस स्नैपशॉट में हमारा आ जाता है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने क्लोन टाइप में दो विजार्ड यहाँ पे शो हो रहा है। जो पहला विजार्ड यहाँ पे क्रिएट ए लिंक्ड क्लोन, और दूसरा है यहाँ पे क्रिएट ए फुल क्लोन। यदि पहले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारा जो वर्चुअल मशीन क्रिएट होगा, हम उस वर्चुअल मशीन को तभी एक्सेस कर सकते हैं जब हमारा वर्चुअल मशीन रन होगा। और यदि हम दूसरे ऑप्शन को यहाँ पे क्रिएट फुल क्लोन यहाँ पे शो हो रहा है, ये जो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके यदि हम अपने मशीन का क्लोन बनाते हैं, तो ये कंप्लीट कॉपी ऑफ द ओरिजिनल वर्चुअल मशीन होता है और ये फुली इंडिपेंडेंट होगा। तो हम दूसरे ऑप्शन को यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट बटन पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट बटन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्लोनिंग होना शुरू हो जाता है, और ये क्लोनिंग जो है कुछ ही मिनटों में हमारा ये हो जाएगा। तो इस वर्चुअल मशीन को जब तक ये क्लोनिंग कर रहा है तब तक हम इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। हमारा जो ये प्रोसेस ये बिल्कुल पूरा हो चुका है, और यहाँ पे आप
यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लोन ऑफ विंडोज 7 यहाँ पे भी यहाँ पे वर्चुअल मशीन यहाँ पे शो हो रहा है। इस दोनों वर्चुअल मशीन को हम ऑन करते हैं और जैसे ही वर्चुअल मशीन को हम ऑन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो वर्चुअल मशीन का यहाँ पे हमने क्लोनिंग किया है वो बिल्कुल वही सॉफ्टवेयर और एज इट इज उसी तरह बिल्कुल ओरिजिनल कॉपी यहाँ पे हमारा क्लोन वहाँ पे हुआ है। पुराना हमारा मशीन था जो भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर यहाँ पे अवेलेबल हैं और इंस्टॉल्ड हैं तो हूबहू वही कॉपी हमारे क्लोन में भी है। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप VMware का ये फंक्शन यूज़ करके आप यदि आपको और भी वर्चुअल मशीन की ज़रूरत है तो आप विदाउट मशीन को इंस्टॉल किए ही उसका क्लोन करके आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं।